अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे आप इसी वक्त अपने शरीर को डिस्ट्रॉय करके हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह अपने शरीर को फिर से रिक्रिएट कर सकते हो, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करोगे? देखिए, आप विश्वास करो चाहे ना करो, लेकिन ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप चाहो तो इस वक्त आप जिस जगह पर हो वहां से एक सेकंड के अंदर पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर इस ब्रह्मांड की जिस जगह भी आप जाना चाहते हो वहां जा सकते। इसे कहते हैं टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन करने के तीन तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है मेंटल टेलीपोर्टेशन, उसके बाद आता है वर्चुअल टेलीपोर्टेशन, और सबसे जो टफ तरीका है वो है फिजिकल टेलीपोर्टेशन। फिजिकल टेलीपोर्टेशन के अंदर असल में आपका शरीर एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट नहीं होता, बल्कि आपके शरीर का इंफॉर्मेशन टेलीपोर्ट होता है। जैसे कि जब आप फोन में किसी के साथ बात करते हो तब क्या आपका ही आवाज उस इंसान के पास पहुंचता है? नहीं मेरे भाई, बल्कि आपके आवाज की इंफॉर्मेशन उसके फोन तक पहुंचती है और वो फोन उस इंफॉर्मेशन को फिर से साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह फिजिकल टेलीपोर्टेशन करने के लिए सबसे पहले आपके शरीर के इंफॉर्मेशन को एक हाई टेक्नोलॉजी मशीन के जरिए स्कैन किया जाएगा और फिर उस इंफॉर्मेशन को उस जगह भेजा जाएगा जहां आप जाना चाहते हो। वहां पे भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जो आपके शरीर को रिक्रिएट करेगा उस इंफॉर्मेशन की मदद से। जैसे जैसे वहां पे आपका एक नया सेल्फ क्रिएट होगा, वैसे वैसे यहां पे जो आप हैं वो गायब होने लगेगा। इतनी सारी चीजें होंगी सिर्फ एक सेकंड के अंदर। फिजिकल टेलीपोर्टेशन फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हम इंसान आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि साइंस की मदद से हम लाइट के पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स को 1400 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट कर पा रहे हैं। इंसान का शरीर भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, इसीलिए मे बी फ्यूचर में फिजिकल टेलीपोर्टेशन संभव हो सकता है। वैसे फिजिकल टेलीपोर्टेशन पॉसिबल हो या ना हो, बट मेंटल टेलीपोर्टेशन इसी वक्त पॉसिबल है। मेंटल टेलीपोर्टेशन का मतलब है आप जहां जाना चाहते हो वहां आपका शरीर तो नहीं जाता, बट आपका सोल, आपकी आत्मा वहां चली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेंटल टेलीपोर्टेशन का मतलब है सिर्फ ये इमेजिन करना कि आप जहां जाना चाहते हो वहां आप जा चुके हो, ऐसा नहीं है ब्रो। मेंटल टेलीपोर्टेशन के जरिए आपकी आत्मा सच में उस जगह चली जाती है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका शरीर वहां पे मौजूद नहीं है, जो भी होगा एकदम रियल जैसा होगा। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि मेंटल टेलीपोर्टेशन करने से आप जहां जाओगे वहां आपको कोई देख नहीं पाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि यह कोई प्रॉब्लम वाली बात है, बल्कि मुझे तो यह बहुत ही अच्छी बात लगती है। मेंटल टेलीपोर्टेशन को एस्ट्रल ट्रैवल भी कहा जाता है। एस्ट्रल ट्रैवल कैसे करना है, इसका एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। सो अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय द वे, जो वर्चुअल टेलीपोर्टेशन है वो आप 6-7 सालों में ही कर पाओगे। वर्चुअल टेलीपोर्टेशन का मतलब है किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए एक नकली दुनिया में चले जाना। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल बाद वर्चुअल गेमिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसकी मदद से आपको गेम्स के अंदर भेज दिया जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, आप उस गेम के अंदर घुस पाओगे। अभी जैसे आप फ्री फायर खेलते हो या फिर पबजी खेलते थे तो आप अपने फोन में खेलते थे, लेकिन उस गेम में थोड़ी ना घुस पाते थे। बट अमेजिंगली 6-7 साल बाद आप सच में गेम्स के अंदर घुस पाओगे। वैसे ऐसा नहीं है कि आपका पूरा शरीर भी उस गेम के अंदर चला जाएगा, नहीं भाई, आप सिर्फ मेंटली उस गेम के अंदर जा सकते हो। बट साथ ही साथ ये भी सच है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक गेम के अंदर हो, एकदम असली दुनिया जैसा लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक ऐसे मनचाहे सपने के अंदर हो जिस सपने को आप कंट्रोल कर पा रहे हो। इसी तरह आपको किसी भी जगह भेजा जा सकता है वर्चुअल टेलीपोर्टेशन के थ्रू। सो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी नेक्स्ट वीडियो एस्ट्रल ट्रैवल के ऊपर है। सो अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो, और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका आपको सबसे आसान लगा, और क्या आप टेलीपोर्टेशन करना चाहते हो, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।